हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बता रही हूँ कि आप 2 साल के बच्चे का हाफ स्वेटर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप इसको कैसे बनाएंगे, और इसका मेज़रमेंट भी बताया है मैंने कि आप इसको शुरू से लेके एंड तक मैंने इसको कैसे बनाया है। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। अगर आप बिगनर्स हैं तभी भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसका एक पार्ट जो है वो इतना बना के रखा हुआ है, और इसके मैंने बॉर्डर पे 76 फंदे डाले हैं, और ये मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। वैसे तो मैंने बताया हुआ है मेरे चैनल पर कि ऐसे वाले फंदे आप कैसे डालते हैं, लेकिन अभी मैं बता दूंगी फिर से कि ये फंदे मैंने कैसे डाले हैं। और फिर मैंने 14 लाइन्स का इसका बॉर्डर बनाया है। ये 14 लाइन्स हैं। आप चाहें तो थोड़ा चौड़ा बॉर्डर रख सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें। एक सीधे और एक उल्टे का ये बॉर्डर है। उसके बाद क्योंकि ये मल्टी कलर वूल है तो इसलिए मैंने कोई डिज़ाइन इसमें नहीं डाला है। ऊपर मैंने पूरा इसको ऐसे ही प्लेन बनाया है, सीधी लाइन फिर उल्टी लाइन, ऐसे करके पूरा प्लेन है। बिगनर्स के लिए ये काफ़ी ईजी रहता है, और मल्टी कलर वूल जब आप लगाते हैं तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, और ये थोड़ा अच्छा भी दिखता है। तो वैसे मैंने मल्टी कलर वूल ले ली है, और ये मुझे थोड़ी सी मोटी लग रही है वूल, तो मैं इसके जो बॉर्डर में है वो मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी, और ऊपर मैं इसको 9 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। तो देखिए, मैं इसमें फंदे डाल के दिखाती हूँ मैंने फंदे कैसे डाले हैं इसमें, डिज़ाइनर फंदे। तो डिज़ाइनर फंदे डालने के लिए आपको ये वाले फंदे डालने के लिए आप अपनी वूल ले लेंगे ऐसे, और इसको मैंने ट्रिपल किया है। आप चाहें जितने मोटे आपको ये फंदे चाहिए आप उतना अपनी वूल को उतनी बार आप डबल ट्रिपल कर लेंगे इस तरीके से, और जितने फंदे आपको डालने हैं उतना लंबा आप धागे को इस तरीके से डबल या ट्रिपल कर लेंगे अपने फंदों के हिसाब से। तो 76 फंदे डालूंगी मैं। अब ऐसे लेंगे इसको, पहला फंदा हम वैसे ही डालेंगे जैसे हम नॉर्मली फंदे डालते हैं इस तरीके से। एक फंदा हम इसमें ऐसे बना लेंगे, ये जो आप इसको थोड़ा टाइट खींच लेंगे, ये फंदा डाला एक। अब ऐसे फंदे डालने के लिए आपको इस तरीके से करना है। अब एक फंदा तो मैंने डाल दिया, तो जब हम एक फंदा ऐसे डाल लेते हैं तो दूसरे फंदे को डालने के लिए देखिए धागा ऐसे लिया है, तो इसमें अब ऐसे करके फंसाएंगे अंगूठा और अपनी उंगली, और इसको इस तरीके से लेके यहाँ से एक फंदा बनाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए आगे जब आप फंदे डालते हैं इसमें डबल डबल फंदे आते हैं, तो देखिए ऐसे धागा लिया इस तरीके से, इसको पकड़ा धागे में, पहले इसको इस तरीके से डाला अपनी उंगलियों के बीच में, फिर इसको इसमें अंगूठा इस तरीके से फंसाया ऐसे, और यहाँ से लिया इसको अंगूठे को, और ये एक फंदा बन गया। थोड़ा खींच लेंगे इसको टाइट। अब दूसरा फंदा जब हम डालेंगे तो उसमें हम इस तरीके से अंगूठा फंसाएंगे, पहले ऐसे फंसाया था, अब इस बार पहले ऐसे डाला था, अब इस बार इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से फंदा इस तरीके से धागे को लपेट के और इसको ऐसे टाइट खींच लेंगे। तो इसमें डबल डबल फंदे चढ़ते हैं, इनको हम गिनेंगे, हम इनको सिंगल सिंगल ऐसे करके एक दो, लेकिन ये एक बार में दो इस तरीके से डबल डबल फंदे आते हैं। देखिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे करके और दूसरी बार इस तरीके से, ऐसे ही करके फंदे डालने हैं। एक बार ऐसे करना है ऐसे, दूसरी बार ऐसे, पहले आपको ऐसे अंगूठा डालना है, ऐसे घुमाना है, और ये इस तरीके से सिलाई डाली, और ये ऐसे खींच लेना है। दूसरी बार में ऐसे यहाँ से सिलाई डाली, ये धागा ऐसे निकाला, और ये इस तरीके से इसको छोड़ दिया। तो ये देखिए दो दो फंदे आपको दिख रहे होंगे। एक बार में ऐसे इन दोनों स्टेप को करने से इसमें डबल डबल फंदे चढ़ जाते हैं, और वो आसान होता है, काफ़ी आसान होते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसमें सारे फंदे डालूँगी, ऐसे फिर ऐसे।
तो 76 फंदे मैं इसमें नीचे से बॉर्डर पे 76 फंदे डालूंगी, और बॉर्डर के बाद 10 फंदे बढ़ा के मैं 86 कर लूंगी। तो मैं 76 फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए 76 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। और अब इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर बनाने से पहले एक लाइन में पूरी उल्टी बनाती हूँ। ये बॉर्डर डालने के तुरंत बाद में एक लाइन उल्टी बनाती हूँ पहले। तो इस तरीके से एक लाइन पहले मैं उल्टी बनाऊँगी, उसके बाद एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर डालूँगी। ऐसे पहले ये लाइन पूरी। अब ये फंदे जो हमने डाले हैं वो डबल डबल दिखते हैं, उनको हमें एक एक करके बुनना है, डबल नहीं करना है। ये देखिए जो ये दो दिखते हैं फंदे, इनको एक ही बनाना है इस तरीके से। तो ये जो है पूरी लाइन में उल्टी कर लूँगी। तभी जो ये डबल वाला बॉर्डर है तभी ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये पूरी उल्टी लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए बॉर्डर इसका मैंने कैसे बनाया है। एक एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा ऐसे, और एक फंदा उल्टा। पूरा बॉर्डर मैंने 14 लाइंस इसकी ऐसी बनाई है। आप जैसा चाहें आप बॉर्डर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरीके से इसको फॉलो करके इस स्वेटर को बना सकते हैं इस तरीके से। दोनों तरफ से बॉर्डर ऐसे ही बनता है। एक फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा। दोनों तरफ से इसी तरीके से ये बॉर्डर बनता है। जहाँ पे आपको सीधा फंदा दिखता है उसको सीधा बनाना है, और जहाँ पे उल्टा दिख रहा है वहाँ पे उल्टा बनाना है। तो इसका बॉर्डर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी 14 लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। इसकी बॉर्डर की 14 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो मैंने इसमें 76 फंदों का बॉर्डर डाला था। अब देखिए इसमें फंदे बढ़ाने हैं। 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ मैं इसको। तो इसमें फंदे बढ़ाने हैं, 10 फंदे हमें इसमें बढ़ाने हैं। तो दो फंदे मैंने बनाए, अब एक फंदा मैं ऐसे करके बढ़ा लूँगी इसमें इस तरीके से, और फिर दो फंदे और बनाऊँगी, फिर एक फंदा और बढ़ाऊँगी। अब फंदे बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप इस वाले फंदे को पहले एक बार ऐसे बनाएंगे, फिर एक बार इसको इस तरीके से बनाएंगे, तो ऐसे आपके फंदे बढ़ जाएंगे। फिर अभी दो बढ़ाए हैं, पूरी लाइन में हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। दो फंदे हम साइड में बढ़ाएंगे और बाकी जो बचे हुए हैं वो हम बीच में बढ़ाएंगे। तो दो मैंने बढ़ा दिए हैं, ऐसे ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा गैप में फंदे बढ़ाते रहेंगे। अब मैं इसको पूरा सीधा सीधा बना रही हूँ, मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। आप चाहें तो डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन पहले हम फंदे बढ़ाते हैं, उसके बाद डिज़ाइन कंटिन्यू करते हैं तीसरी लाइन से। तो पहले फंदे बढ़ा देंगे, उसके बाद एक लाइन उल्टी करेंगे। अब यहाँ पे भी मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी, एक फंदा और बढ़ाऊंगी, चार फंदे बढ़ गए।
एक और बढ़ाया, 5, एक और बढ़ाया 6। आप चाहें तो फंदों को डिवाइड करके इसमें फंदे बढ़ा सकते हैं, मैं ऐसे ही बढ़ा रही हूँ अपने हिसाब से। आप इसमें डिवाइड करके बढ़ा सकते हैं, तो एक जगह पे या तो कुछ फंदों के बाद। छह फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं, अभी 4 और बढ़ाएंगे इसमें। तो पूरी लाइन में ऐसी सीधी सीधी कर रही हूँ। जब भी आप फंदे बढ़ाते हैं पूरी लाइन आप सीधी करते हैं। डिज़ाइन आपको डालना है आप वो डालेंगे। एक और बढ़ाएंगे 7, एक और बढ़ाएंगे 8। तो अब 2 मैं लास्ट में बढ़ाऊंगी 4 फंदों से पहले। एक बढ़ाया, फिर 2 फंदे बनाए, फिर एक बढ़ाया, फिर 2 फंदे बना दिए। अब ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ये पूरी जो लाइन है वो मैं उल्टी करूँगी, उल्टी लाइन बना के कंप्लीट करूँगी। जो मेरे फंदे बढ़ाने का तरीका है, जो मैं धागा लपेट के बढ़ाती हूँ, उसमें जो इस तरह से ये फंदा दिखेगा आपको, इसको यहाँ से हमें बनाना है इस तरीके से। ऐसे करके इसको बनाया तो ये फंदा जो है आपका बढ़ जाएगा। अगर आप उसको दूसरी साइड से बनाते हो, अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ये जाली बन जाएगी, इसलिए इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये फंदा बन जाता है उस साइड से। तो ये पूरी लाइन उल्टी करने के बाद मैं पूरी जो इसकी लंबाई, जितनी हमें इसकी बगल तक लंबाई चाहिए उसको मैं बना लूँगी। फिर हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे, बगल की कटिंग करेंगे इसकी। तो कम से कम इसको 10 इंच बनाना है, उसके बाद इसकी 3, 2, 1 करके इसकी कटिंग करनी है बगल की। तो ये पूरी लाइन उल्टी करने के बाद, अगर आप चाहें तो इसमें जो आप डिज़ाइन डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने इसको पूरा सीधा सीधा बनाया है ऐसे करके, इतना ये पूरा से, क्योंकि मल्टी कलर वूल है इसलिए मैं इसको पूरा सीधा सीधा बना रही हूँ। तो यहाँ तक जब इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी इस वाले की, फिर हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फंदे अब इसके बढ़ गए हैं, इसको भी लंबाई इसकी कंप्लीट कर लेते हैं ऊपर तक, ऐसे बना के दोनों तरफ से सीधा, उधर से सीधा बना रही हूँ, इधर से उल्टा, एक सीधी लाइन एक उल्टी लाइन, ऐसी करके बनाना है जैसे प्लेन बनता है, कोई डिज़ाइन नहीं है उसमें। इस साइड से उल्टा, उस साइड से सीधा बनेगा। अगर आपको डिज़ाइन डालना है तो आप चाहें तो डिज़ाइन डाल सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं अभी, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं होती है और ये आसानी से बन जाता है। तो अब देखिए मैंने इसको ऐसे सीधा सीधा बनाया, उस साइड से उल्टा बनाना है और इस साइड से ऐसे सीधा सीधा, कोई डिज़ाइन नहीं डाला है मैंने इसमें। इस तरीके से ये पूरा 10 इंच तक जितनी इसकी लंबाई है ये ऐसे ही बनेगा, इस तरीके से पूरा सीधा सीधा बनाना है इसको। इसमें कहीं भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, पूरी सीधी लाइन पूरी सीधी और उल्टी लाइन पूरी उल्टी, ऐसे।
इसकी लंबाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है और गले की कटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने इसकी जो लंबाई है वो दोनों पार्ट्स की कंप्लीट कर ली है, ये आगे का है ये पीछे का है, कोई भी हम आगे पीछे का रख सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों साइड में सेम बनाया है। बस अब हम आर्म होल की जहाँ से कटिंग करेंगे उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो पहले आर्म होल की कटिंग इसकी कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई देखिए मैंने 10.5 इंच टोटल मैंने इसकी लंबाई रखी है, बॉर्डर से लेके और आर्म होल तक 10.5 इंच इसकी लंबाई है। तो अब हम यहाँ से इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम तीन फंदे दोनों साइड में हम आर्म होल की कटिंग एक जैसी ही करते हैं, बस गले से जो है दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। पीछे वाले पार्ट में हम गले की कटिंग ऊपर पे करते हैं और आगे वाले पार्ट में हम, तो मैं इसमें वी गला बनाऊंगी तो इसलिए मैं आगे के पार्ट में गले की कटिंग करूंगी। पहले आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद गले की कटिंग शुरू करेंगे। तो ये देखिए हम जो आर्म होल की कटिंग है, सबसे पहले हम तीन फंदे यहाँ से घटाएंगे। तो एक फंदा उतारेंगे, आप एक फंदा बनाया और ये वाला फंदा जो है वो इसके ऊपर से उतार दिया इस तरीके से। एक फंदा कम हो गया, अब दो और ये तीन, तीन फंदे सबसे पहले हम घटाएंगे और जैसे ही हमने पूरी लाइन बनाई होगी पूरी लाइन हम वैसी बनाएंगे। तो मैं इस साइड से, मैंने उल्टी साइड से कटिंग शुरू कर रही हूँ मैं इसकी। आपका जिस साइड पे लंबाई आपकी ख़त्म होती है उसी साइड से आप कटिंग इसकी शुरू कीजिए। उल्टी साइड पे कर ली है, आप सीधी साइड से भी मैं ऐसे ही पहले तीन फंदे कम करूँगी। ये लाइन हम जैसी करते हैं वैसी हम पूरा इसको बना लेंगे। तो इस लाइन को मैं लास्ट तक, मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला है इसलिए बहुत ही आसान है बिगनर्स के लिए भी। तो मैं इसको लास्ट तक करके दिखाती हूँ इस लाइन को, उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड से भी तीन फंदे कम करेंगे। तो ये देखिए पूरी लाइन इसकी उल्टी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसको पलट के इस साइड से भी इसकी कटिंग करेंगे, सीधी साइड से भी, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे पहले। एक फंदा उतारा और अब एक फंदा बनाया और इसके ऊपर से ये उतार दिया, एक फिर दो और ये तीन। तो तीन फंदों की इसकी कटिंग हो गई। जैसे आप बना रहे थे इसकी वैसी बनाएंगे, चाहे आपने डिज़ाइन डाला है या फिर आपने सीधा सीधा इसको बनाया है जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप उसको वैसी ही कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। फिर इसमें दो फंदे कम करेंगे, अभी हमने तीन किए हैं आप दो करेंगे इसके बाद। इसकी मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी लाइन भी पूरी कंप्लीट हो गई है, अब इसमें एक दो फंदे हम कम करेंगे। तो ये वाला फंदा ऐसे उतार देंगे और इसको पलट लेंगे और इसमें जो है दो फंदों की हम कटिंग करेंगे। तो एक फंदा तो ऐसे उतारूंगी और एक और बुन के इसको ऐसे करके एक और फंदा कम कर लेंगे। दो फंदे हमने कम कर लिया, पूरी जो उल्टी लाइन है वो पूरी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। जैसा आपने बनाया हुआ होता है आप बीच में वैसे ही बनाते हो, और साइड में जब भी आप आर्म होल की कटिंग करते हो उन फंदों को छोड़कर जितना भी आपने बनाया हुआ होता है डिज़ाइन उसको आप ऐसे ही कंटिन्यू करते हो। तो मैंने सीधा सीधा बनाया है ऐसे, तो इसको सीधा सीधा बना लूँगी मैं।
ये उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई, लास्ट वाला फंदा ऐसे उतार देंगे और इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से भी सीधी साइड से भी हम इसके दो फंदे कम करेंगे। पहला वाला फंदा मैं ऐसे ही कम करती हूँ, घटाती हूँ ऐसे करके, और अब एक फंदा और बनाऊँगी और एक इसमें इस तरीके से इसके ऊपर से निकाल दूँगी। अब ये दो फंदे और कम हो गए तो इसकी पूरी लाइन हम ऐसे ही करेंगे। अब पूरी लाइन सीधी बना के कंप्लीट करेंगे, फिर एक अभी हम इसमें दो बार फंदे और घटाएंगे एक एक करके। सीधी लाइन देखिए कंप्लीट हो गई है, ये फंदा ऐसे उतारूंगी, फिर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से इसका एक फंदा घटाएंगे, इस तरीके से करेंगे इसको, इस तरीके से जैसे मैं घटाती हूँ इसी तरीके से इसका एक फंदा घटाया और ये पूरी लाइन ऐसी बनाएंगे। अब दूसरी साइड से भी एक फंदा और घटाएंगे। पूरी लाइन को वैसी बनाएंगे जैसे अब तक बनाते हुए आ रहे थे। देखिए उल्टी लाइन भी मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है और अब इधर से भी हम सीधी लाइन में भी हम एक फंदा इसको इस घटाएंगे। ये फंदा ऐसे उतारेंगे, अब इसको पलट लेंगे और अब ये सीधी लाइन में भी मैं एक फंदा ऐसे घटा दूंगी इसका ऐसे करके। और अब पूरी सीधी लाइन जैसे हम बनाते हैं वैसी पूरी सीधी लाइन जैसे बनाते आ रहे थे, जैसे आपने बनाया हुआ होगा वैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे। पूरी सीधी लाइन देखिए कंप्लीट हो गई है और अब उल्टी लाइन में इसका एक फंदा, और इस फंदे को ऐसे ही निकालेंगे और उल्टी लाइन में एक फंदा घटाएंगे इस वाली लाइन में और एक इसके नेक्स्ट वाली लाइन सीधी वाली में इस तरीके से। जैसे मैं घटाती हूँ वैसी और आप पूरी लाइन उल्टी बना के इसकी कंप्लीट कर लूँगी। उल्टी लाइन इसकी कंप्लीट हो गई, सीधी लाइन में भी एक फंदा और घटाएंगे। तो इसको ऐसे उतारेंगे और इसको पलट के सीधी लाइन में इस तरीके से एक फंदा और घटाएंगे। तो देखिए आर्म होल की कटिंग इसकी यहाँ पे मैंने एक फंदा भी कम किया है। अब इस लाइन में जितने मेरे पास फंदे हैं उसका मैं आधा कर लूँगी, आधा इस साइड और आधा इस साइड, और इसमें हम वी नेक की कटिंग करेंगे। तो एक फंदा मुझे बीच में यहाँ पे ऐसे निकाल के रखना पड़ेगा। तो अभी टोटल मेरे पास 72 फंदे हैं, तो मैं 35 इधर और 35 इधर बना लूँगी 70, और दो फंदों का मैं एक करके यहाँ पे बीच में छोड़ दूँगी, इस पर सेफ्टी पिन पे या होल्डर पे छोड़ देंगे हम यहाँ पे। और जो आर्म होल की कटिंग है वो बैक साइड में भी उसी तरह से होगी जैसे हमने फ्रंट साइड में की है। उसके बाद हम इसकी लंबाई ऊपर तक जहाँ तक गला होता है वहाँ तक इसकी कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं इसकी गले की वी नेक की कटिंग दिखा देती हूँ कि वी नेक की कटिंग हम इसमें कैसे करेंगे। तो बराबर बराबर फंदे हम दोनों साइड कर लेंगे। जितने आपके पास यहाँ पे आर्म होल की कटिंग हो गई है उसके बाद इस वाली सिलाई पे मेरी आर्म होल की कटिंग ख़त्म हुई थी, तो इसी सिलाई में मैं यहाँ से वी नेक की कटिंग शुरू कर दूंगी। इस साइड मैंने 35 फंदे ये बना लिए हैं और इस साइड भी मैं 35 फंदे रखूंगी। अब बीच में ये दो फंदे बच रहे हैं। अगर आपके पास ऑड नंबर में फंदे हैं तो आपके पास यहाँ पे एक फंदा बचना चाहिए। मेरे पास इवन नंबर में फंदे हैं तो देखिए इन दो फंदों का मैं एक करूँगी इस तरीके से ऐसे, और इसको मैं इस स्टिच होल्डर पे लगा के छोड़ दूंगी इस तरीके से। इसको छोड़ देंगे और ये वी नेक बनाने के काम आएगा। आप सेफ्टी पिन पे भी इसको लगा के छोड़ सकते हैं। और अब इस धागे से मैं इस वाले की जो कटिंग है इधर से जो वी नेक की कटिंग है वो शुरू करूंगी और इधर से हम दूसरा धागा यूज़ करेंगे। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर एक फंदा बनाया और दूसरा उसके ऊपर से ऐसे उतार दिया।
तो यहाँ से हमारी वी नेक की कटिंग शुरू हो जाएगी। अब ये पूरी लाइन जैसी है वैसी ही बनेगी। दोनों साइड से हम वी नेक की कटिंग करेंगे और अब मैं पूरी लाइन ऐसी बनाऊंगी इसको लास्ट तक, और फिर दूसरी लाइन में घटाएंगे हम इसमें। तो शोल्डर तक हमारे पास 17 या 18 फंदे हमारे पास शोल्डर में होने चाहिए, क्योंकि बच्चे का स्वेटर है तो इसलिए शोल्डर पे 17-18 फंदे काफ़ी रहेंगे। तो 17-18 फंदे रहने तक हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद गला बुनना शुरू करेंगे। तो पहले इसकी वी नेक की कटिंग ख़त्म कर लेते हैं। और अब हम इन फंदों को ऐसे, इस साइड से कटिंग हो गई है तो ये नॉर्मली बनेगा। फिर से अभी मैं उल्टी लाइन कर रही हूँ। अब ये मैंने एक साइड की तो ऐसे करके बना लिया है। तो एक फंदा हमने यहाँ पे सीधी लाइन में घटाया था, अब यहाँ से हम दूसरा धागा जोड़ेंगे और इस लाइन में भी एक फंदा घटाएंगे। तो इसी तरह से हम फंदे घटाते हुए इसमें कटिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक धागा जोड़ा, और ये ऐसे एक फंदा और बनाया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे करके। और अब इसको पूरा आगे तक बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक, और फिर नेक्स्ट लाइन में कटिंग करेंगे। पूरी लाइन को ऐसे बनाएंगे लास्ट तक। सीधी लाइन कंप्लीट हो गई। आप देखिए हमारे पास दोनों साइड में धागे हैं, उस साइड भी और इस साइड भी। तो अब इसको पूरी लाइन पहले मैं लास्ट तक बनाऊंगी, ये वाली, इस साइड वाली, और इसमें अभी हम पहले दो फंदे घटाएंगे। ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब इस साइड में हम यहाँ पे दो फंदे घटाएंगे। इसके ऊपर से ऐसे उतारा, एक और फंदा बनाया और इसके ऊपर से ऐसे उतारा। तो ये दो फंदे यहाँ पे कम हो गए। पूरी लाइन अब ऐसी बनाऊंगी, पूरी लाइन जैसे बना रही थी, पूरी सीधी सीधी लास्ट तक बनाऊंगी और फिर वापस आते हुए दूसरी तरफ फंदा घटाऊंगी। तो देखिए इधर सीधी लाइन में आते हुए हम इस साइड फंदा घटा रहे हैं, उल्टी लाइन में हम इस साइड में घटा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें फंदा घटाना होता है इसलिए हम ऐसे करते हैं। अब देखिए उल्टी लाइन करते हुए हम दूसरी साइड में फंदा घटाएंगे। इस साइड में हमने अभी घटाया था तो इसको ऐसे बनाएंगे, पहले यहाँ तक ले जाएंगे एंड तक, उसके बाद हम दूसरी साइड फंदा घटाएंगे। तो देखिए ये इधर वाली जो साइड है वो कंप्लीट कर ली मैंने। अब जब इस धागे को हम इधर ही छोड़ देते हैं और ये जो हमने इधर धागा लगाया है इससे हम इस साइड कंटिन्यू करते हैं। तो एक फंदा उतारा और इस वाले फंदे को बनाया और इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे करके, एक और बनाया
और इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे। अब पूरी लाइन जो उल्टी लाइन है पूरी ऐसी बनाएंगे लास्ट तक। इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी लाइन हो गई है। अब देखिए मैं सीधी लाइन कर रही हूँ। सीधी लाइन में हम उस वाली साइड में फंदा कटा रहे हैं। सीधी लाइन देखिए कंप्लीट हो गई है। और अब इस साइड में जब हम आते हैं दूसरी साइड वाली जो है हमारी, इधर हम दो फंदे घटाएंगे। एक फंदा उतारा, एक बनाया, एक इसके ऊपर से उतारा और एक ऐसे। और अब पूरी सीधी लाइन हम सीधी कर लेंगे। देखिए पूरी लाइन सीधी हो गई है। और अब इसकी इस साइड आ जाएंगे और यहाँ पे एंड में हम बार बार फंदा घटा रहे हैं। इस साइड में हमने अभी घटाया, अब इस साइड घटाएंगे। इसको पूरा बना के पहले कंप्लीट करेंगे। इस तरह से दोनों साइड में साथ में कटिंग करने से जो है आपकी जो लंबाई है इन दोनों जो साइड है उनकी जो लंबाई है कंधों की वो इवन रहेगी। आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा साइड हमने कितना बनाया है दूसरी साइड में। आप उसके लिए अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ अगर कटिंग करेंगे तो वो बाद में आसान हो जाता है। ये उल्टी लाइन हो गई है और जब इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे दो फंदों की ऐसे दो फंदे घटा लेते हैं। एक उतारा, एक बनाया, इसके ऊपर से उतारा, फिर एक और बनाया और इसके ऊपर से उतार दिया। फिर उल्टी लाइन अभी पूरी बनाएंगे इसकी। तो ये इस तरह से आपकी पूरी कटिंग हो जाएगी ऊपर तक। अब हम इसकी हर लाइन में एक एक फंदा घटाएंगे। ये सीधी साइड है, यहाँ से स्टार्टिंग में ही पहले एक फंदा घटा देंगे। चाहे तो आप ऐसे घटाइए या फिर एक दोनों फंदों को ऐसे साथ में बना सकते हैं। ऐसे करके दो फंदे साथ में बुन लिए तो ये एक फंदा यहाँ पे घट जाएगा ऐसे करके। या फिर एक फंदा उतारा और एक फंदा बनाया और ये दूसरा इसके ऊपर से उतार दिया और अब पूरी लाइन बना ली। फिर उल्टी लाइन में दूसरी साइड से आते हुए तो हर लाइन में इसका फंदा घटाएंगे जब तक हमारे पास 17 या 18 फंदे बच जाएंगे। तब तक हम इसकी ऐसी कटिंग करते रहेंगे। एक फंदा अभी घटा दिया।
तो देखिए हर लाइन में हम फंदा घटा रहे हैं, तो इसमें हम सीधी में हम आते हुए इधर से घटाएंगे जब हम इधर जा रहे हैं, और इधर उल्टी में इस साइड से घटाएंगे। तो ध्यान रखिएगा हर लाइन में घटाना है इसमें, ऐसी इसकी जो गले की लंबाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहले उल्टी लाइन इधर से बनाएंगे और उस साइड से फंदा घटाएंगे, उधर वाली साइड जो है स्टार्टिंग में हम घटा रहे हैं, इसलिए एक में हम सीधी में घटा रहे हैं और एक में उल्टी साइड में घटा रहे हैं। इस साइड की पहले उल्टी लाइन ऐसे कंप्लीट करेंगे, हर सीधी लाइन में इस साइड में और हर उल्टी लाइन में उस साइड में फंदा घटा रहे हैं। अब देखिए इस साइड में उल्टी लाइन में घटा रहे हैं, तो एक फंदा उतारा, एक बनाया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया, और अब पूरी लाइन ऐसे बना ली। तो ऐसी ऐसी करके जब तक इसकी शोल्डर की जो लंबाई है वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक एक एक फंदा ऐसे घटाते रहेंगे इसमें। तो ये इतनी इसकी कटिंग हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि कैसे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं ऊपर तक। इसी तरीके से ये पूरा हो जाएगा, ये सीधी साइड हो गई और ये उल्टी साइड है इसकी। अब उल्टी साइड में हम क्या करेंगे, जैसे हमने आर्म होल की कटिंग सीधी साइड में की है, एक फंदा तीन तीन करके, पहले एक लाइन में तीन, फिर दो, फिर एक और एक, तीन तीन फंदे घटाए इस लाइन में। अब इसकी उल्टी लाइन में भी तीन फंदे घटाए, तो ऐसे ऐसे करके जैसे हमने फ्रंट साइड में की है वैसे हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे, और बाकी हम इसको वैसी ही ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे। उसमें बीच में हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर तक हम इसको ऐसे बनाते हुए सीधा सीधा जाएंगे आर्म होल की कटिंग करने के बाद। तो दोनों पार्ट आपको ऐसे ही बनाने हैं, दोनों साइड में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस जो फ्रंट साइड होती है उसमें हम गले की कटिंग पहले कर लेते हैं, इसलिए फ्रंट साइड मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम आर्म होल की पहले कटिंग करेंगे और इसको ऊपर तक ले जाएंगे। ये देखिए मैंने इसकी गले की कटिंग करते हुए इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसके अब यहाँ पे मैंने शोल्डर पे 18 फंदे रखे हैं। यहाँ पे अगर वूल थोड़ी सी पतली है या फिर आपके पास ज़्यादा फंदे हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा स्वेटर बना रहे हैं तो आप 20 फंदे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 18 फंदे रखे हैं और इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद मैंने इसको 6 या 7 इंच बनाया है यहाँ से। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग ख़त्म हुई थी, तो यहाँ से मैंने इसको 6.5 इंच मैंने इसको यहाँ से बनाया है जहाँ पे आर्म होल की कटिंग ख़त्म हुई थी। इसको 7 इंच तक बना सकते हैं, 7 इंच तक इसकी लंबाई यहाँ से रख सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से गले में फंदे उठाएंगे, उसके बाद इसका गला बुनेंगे। तो आप भी इसको ऐसे ही बना लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगी कि इसका गला कैसे बनाना है और बैक साइड की जो कटिंग है उसके बाद आप ऊपर तक इसको कैसे बनाएंगे। तो तब तक आप इसको बनाइए। तो फिर अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।